ठीक है। तो भैया एक बात ये है कि जब भी आप किसी को प्लान दिखाओ, मैं तरीका प्लान दिखा रहा हूँ, तरीका मैं प्लान नहीं समझेगा, वही तरीका वो फॉलो करता है, उसमें ना मैं प्रोडक्ट बताता ना बिजनेस, बिना प्रोडक्ट और बिजनेस बिजनेस प्लान के मैं प्लान दिखाता हूँ। तरीके वैसे बहुत सारे हैं, लेकिन मेरा तरीका आप बजवा सकते हैं, वो तरीका थोड़ा टाइम भी बचाएगा आपका और थोड़ा सा काम भी करेगा। वो तरीका मैंने कहाँ सीखा, कहाँ सीखा, ये जो सीखा मैंने वो तरीका, करेक्ट है। तरीका बड़ा सिंपल है, आपको बंदे को ये बोलना, कभी कभी आपको समझ नहीं आएगा उसको दिखाऊं क्या, ऐसा होता नहीं था कि बताऊं क्या यार, समझ नहीं आ रहा क्या होता उसको, है ना, करेक्ट है। तो जब कहीं ना कहीं कोई भी कमान नहीं चलता, कोई भी तीर काम नहीं करता, वहां ब्रह्मास्त्र निकाल दो, ये है ब्रह्मास्त्र, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। आपको क्या बोलते हो, आपको बंदे को ये बोलना, देखो सर उसको क्या बोलोगे, सर नौकरी करते हो, नमाजी नौकरी करते हो, ठीक है सर। आप बताओ इंडिया में कितने लोग रहते हैं, क्या बोलोगे, 135 हो गए आप, इंडिया में कितने लोग रहते हैं सर, 135 करोड़ लोगों में से 80% लोग क्या करते हैं, हाँ जी जॉब करते हैं, जॉब करके वो सर क्या करते हैं, जॉब करके करते क्या है, पैसा कमाते हैं, पैसा कमाने के बाद क्या करते हैं सर, आपका करते पैसे, आपको पूछना है कि आपको करते पैसे कमाने के बाद क्या बोले, कहाँ खर्च करते हो सर, वो कहता है घर का राशन जो भी है सर, फैक्ट्री में तीन जगह खर्च करते हो सर आप, ये तो घर का राशन लेके आते हो, दूसरा हेल्थ पे खर्च करते हो, ये एजुकेशन पे जाता है बच्चों की फीस, और तीसरा क्या है, सेविंग, करेक्ट है। तो सेविंग का पैसा वापस आ रहा था, सेविंग का पैसा तो वापस आ रहा था, कभी एजुकेशन का राशन का पैसा वापस आया आपको, कहते कभी नहीं आया सर, कभी नहीं आया आपको, बता हाँ कभी नहीं आया पक्का, हाँ तो आपको उसको बोलना है सर राशन अपने घर में क्या क्या लेके आता हूँ, राशन वो क्या बोलेगा आपको, आटा बन दो उसे टीवी कम है, प्रोडक्ट की बात वो करेंगे जो टीवी ज्यादा है, खबरदार तुमसे कम की वाले प्रोडक्ट की बात, हाँ उसमें थोड़ा जाना हो, स्टार्टिंग करते शुरुआत से उसको सीधा बोलो, आपको उसको कहते हैं साइकोलॉजी, आपको बोलना वो है जो वो सुनना चाहता है, उससे बुलवाना वो है जो आप सुनना चाहते हैं, करेक्ट है। जैसे मैं आपको बोलता हूँ आप सुंदर हो, आप क्या बोलो, हाँ सुनना ठीक है, करेक्ट है। चलो तो आप क्या करते हो, क्या बोलेगा, चाय से क्या बोलेगा, टी, उसके बाद फेस वॉश, कंडीशनर, क्रीम, कपड़ा धोना, बर्तन धोना, पोछे मारना, खाने का तेल, तो इस तरीके से आप ले लो तो 15-20 आइटम आते हैं, उसको बोलना है तो कहाँ आते हैं, करेक्ट है। अब वो सर ये सामान आप सारा कहाँ से लेके आ रहे हो, क्या बोलेगा वो, दुकान से, आप क्या हो सर दुकानदार के लिए, कस्टमर हो सर, आपके घर में एक भी आइटम नहीं बनता, बनता है क्या, नहीं बनता, हम कहाँ से लेके आते हैं, फैक्ट्री से, फैक्ट्री में सामान बनता है 3 रुपए का, आपको मिलता है 10 रुपए का, करेक्ट है सर, चला हाँ, तो बीच का 7 रुपए कहाँ गए, वो खुद बोलेगा, आपको बोलना नहीं है, वो खुद बोलेगा कि सर बीच का 7 रुपए कहाँ गया, तो वो क्या बोलेगा, क्या बोलेगा वो, बिल्कुल ठीक बात है, वो क्या बोलेगा सर, दुकानदार होता है, फिर और टीवी पे क्या होता है, 40 रुपए पैसा कहाँ जाता है, ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं, कठिन अगर सुनता रहे दही बल्ले लगा लो, ऐसा कुछ नहीं लग, साउंड खराब हो खुद ही आप लगा देना, ठीक है। उसको बस ये समझाना है कि झूठ है जो टीवी पे ऐड करते हैं, कुछ समय इस्तेमाल और ये लोग भी 1-2 रुपए कमा लेते हैं, करेक्ट है। इससे क्या होता है, मार्केट का 70% पैसा इनकी जेब में, 30% पैसा फैक्ट्री वाला, और आपको कुछ नहीं मिलता, करेक्ट है। अब उससे पूछो कि सर आप सामान कब से ले रहे हो, क्या बोलना आपको, कि आप सामान, वो बोलेगा 20 साल से, कितने का लेते हो, कहेगा 5,000 रुपये, साल में कितने का हो गया, 6,000, कितने का, 7,000 रुपये का हो गया 20 साल में, 12,000 का सामान आपने 20 साल में लिया, 12,000 रुपये का राशन ले गए, आप खा गए जो आया है नहीं आपको, बोला हाँ तो ठीक है, अच्छा 12,00,000 रुपए से मैं से आपको कितने लाना है, तो क्या बोलेगा,
मतलब 6 से 7 लाख तो इनकी जेब में चला गया बीच वालों की। एक बात सर आपको बता दूं, सच्चाई बताता हूं आपको, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े बंगले, बड़े बड़े ऐशो आराम किसके पास है? इन बीच वालों के पास। आपको तो कुछ मिला ही नहीं, आप तो किसान बन के रह रहे। खाता हुई है दुख सबसे अच्छी हुआ है ना। और थोड़ी देर बात बोलता हूँ, इन तीनों में से अगर इसको निकाल दू तो काम चलेगा? नहीं चलेगा। इसको निकाल दू तो? लेकिन बीच वालों को निकाल दू तो? हाँ चलेगा। सर अच्छी बात बताऊँ आपको, क्या क्या मतलब जो 12 लाख खर्च करे ना आपने, जो 7 लाख इनकी जेब में गए हैं, वो 7 लाख में आपको देने वाला हूँ वापस। क्या बोल रहे? वो 7 लाख में आपको वापस दे दे तो आपसे क्या बोलेंगे? अब क्या बोले वो? कैसे बताओ, कैसे बताओ? तो उसको कौन सा समझाओ इस तरीके से, किसी भी वेस्टेज कंपनी से मैं काम करता हूँ आपके। ये वेस्टेज कंपनी से काम करता हूँ, ठीक है? ये कंपनी से क्या डेट किसमें आती है? कस्टमर। सर आपको कुछ नया काम नहीं करना, जो आप करते हो वही करना, कुछ नया काम आपको नहीं करना। आपको बस क्या करना है, शॉप चेंज करनी है सर, दुकान बदलनी। मेरे बोलने दुकान बदलते नहीं, बोलते हैं बदलता हूँ। आप सेब लेने गए 70 रुपए का, साथ में बंदा ऑफर सेब वाला, पैसा कर कहाँ से लेते हो आप? क्यों उस दुकान का बंदा सेब बेच रहा है, अगर मुझसे सेब ले, एक भी मिले सेब तो कहाँ से लोगे? उसके बाद एक और खड़ा है, अगर मुझसे सेब ले 1000 रुपए होल ले, कहाँ से लोगे? दुकान तो बदलोगे ना। तो मेरे बोलने में आपकी दुकान बदलनी है, आपके 10 तरह के फायदे, करेक्ट है? दूसरा वेस्टेज कंपनी है, 3 का बनाती है, 10 का हमको देते एग्जाम्पल, 10 का देती सेम है, लेकिन हम 20 के मीडियम में पैसे नहीं बांटते। कंपनी खुद की 5 दुकानें खोल ली, इसको डीएलसीपी कहते हैं। यहां पे क्लाइंट आता है, खुद जाके सामान लेता है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दो तरीके से। टीवी पे हम लोग ऐड नहीं करते, 40% ऐसा बच जाता है। को एड हमारा कौन करते हैं? कौन? बहुत एडवर्टीजमेंट है। और जो काम शाहरुख खान करता है, अगर वो काम अपने वेस्टेज के लिए कर दिया तो वेस्टेज आपको शाहरुख खान बना देगी। और आपको महीने की इनकम जो यहाँ पे बची है, आपको इनकम के रूप में वेस्टेज पैसा देगी आपको। अब उसको समझ में आ रही है पैसा कहाँ से आ रहा है, करेक्ट है? करेक्ट है। अब जो पहला फायदा, अब ये सब आप समय ऐसे लेते हो, अनाज ऐसे लेता हूँ, कभी आपको जिंदगी बिल मिला? कभी नहीं मिला सर। आप अनाज से लोगे आपको पक्का बिल मिलेगा वेस्टेज में, अगर वेस्टेज सामान लोगे। पहला फायदा। दूसरा फायदा, 100% क्वालिटी कभी मिलती है आपको यहां से? नहीं मिलती दुकान से। आपको मिलेगी यहां पे 100% क्वालिटी। तीसरा फायदा सर, कोई फ्री सामान मिलता है स्कीम के रूप में, क्या बोलेगा वो? आपको हर महीने 10-50% सामान स्कीम में फ्री मिलेगा, जो आपको फ्री में मिलेगा इस बिजनेस के अंदर। आप हर महीने सामान लोगे, ऐसी दुकान है हमारे पास फ्री में सामान देगी। चौथा सर, वो डिस्काउंट मिलता है? यहाँ पे कोई नहीं मिलता। अगर आप पक्के ग्राहक बन गए, हर प्रोडक्ट पे आपको 10-20% का फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा, हर प्रोडक्ट डिस्काउंट दे दो मुझे। और सबसे बड़ी बात सर, इतने साल से आप सामान ले रहे हो, कभी आज तक दुकानदार ने कहा कि 1000 रुपए हमें ले ले तू? ऐसा कुछ कभी इनकम आपको आई? वो कहता नहीं आई सर। वही दुकान चेंज करेगा, वेस्टेज सामान लोगे तो सर वेस्टेज आपको देगी इनकम, आपको पैसा कमाने का मौका देगी। और जब कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है? सिर्फ दुकान बदलो। आप बताओ दुकान बदलने को राजी हो या नहीं? क्या बोलेगा? क्या बोलेगा वो? हो गया वेस्टेज का प्लान, हो गया वेस्टेज का प्लान। बस अब दो मैं प्रैक्टिकल तरीके समझाता हूँ, आप पक्का दुकान बदलो। एग्जाम्पल ऐसे देता हूँ, ठीक है? मान लेते हैं 3-4 लोग हैं, बस 3-4 लोग आ गए, आप सारे यहाँ पे आओ। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, समझ में आएगा प्रैक्टिकल। हमारा काम एक्चुअली है क्या, ठीक है? मान लेते हैं, अच्छा आपका नाम क्या हुआ? अभिनव जी को जानते हैं आप? ये है अभिनव चाय पत्ती, क्या नाम है इनका? एग्जाम्पल अभिनव, मेरा नाम है तरुण चाय पत्ती, ठीक है? आप खुश है, ठीक है? मान सिंह का जोरदार ताली है, पीछे से मान सर खड़े सर को जोरदार तालियां मान सकते।
ऊंचा पत्ती, ठीक है, समझो मैं काम किया पत्ती ले। आप पिछले 20 साल से पत्ती कहां से ले रहे हो, तो ऊंचा पत्ती से 20 साल से ले रहे हो, आप खाते हो, आप छोड़ दो, मैं आपको ऊंचा पत्ती, तो बात खत्म। अब मार्केट में आ गया अपने ऊंचा पत्ती, ठीक है, करेक्ट है। अब यह आपको बोलता है कि मुझसे चाय पत्ती लो और मैं आपको महीने के 1000 रुपए दूंगा, आप बताओ आप कहां चाय पत्ती लोगे? मैं आप प्रश्न क्यों लूंगी, क्यों बोलूं उससे आपको, इनसे क्यों ले रही हो आपको? भाई तू मेरे भाई भी कैसा, कहां से लेगा भाई, क्यों तुम कहां से लोगे, क्यों, और आप सब कहां से लोगे? हम लोग दृष्टि में कर क्या रहे, नहीं तो कर रहे होगी प्रतिशत है, सभी लोग इनसे पूछोगे सवाल लो, सभी मेरे पीछे बैठ गया, आया बात समझ में?